कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर के अंदर भी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, उस वजह से वहां के लोग भी पुरअमन नहीं रह पा रहे थे। अगर हम देखें तो ये चीज खत्म नहीं हुई, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब एक तहरीक चल रही है, एंटी पाकिस्तान स्लोगन मेन गिलगित पे सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो इस वजह से हुई है जब से अफगानिस्तान तालिबान जब से उन्होंने टेक ओवर किया है। आपको पता है, वो सबको पता है कि वो टीटीपी के लिए सेफ है मैन है। जब वो टीटीपी के लिए सेफ है मैन है तो जाहिर सी बात है उन्होंने उन्हें अलाउ किया कि वो पाकिस्तान के अंदर आए और वो टेररिज्म करे। वो तो अपने एरियाज को रीगेन करने की कोशिश करेंगे स्वात के अंदर। तो अब वैसे तो ये ओवरऑल हमारी एक तरह की नाकामी है कि हम अफगान तालिबान को समझ नहीं सके कि वो बजाय के जो पाकिस्तान का नैरेटिव है कि वो टीटीपी के लिए सेफ है नहीं होंगे, जबकि उन्होंने इससे ऑपोजिट किया है और वो क्या नाम है टीटीपी के लिए एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड वो साबित हुए हैं, और उन्होंने बजाय के उन्हें उनके खिलाफ एक्शन लेने के उन्हें हार्बर करने की कोशिश की है और उन्हें फैसिलिटेट करने की कोशिश की है कि वो दोबारा स्वात के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश की है। हमने पहले भी एक इंसिडेंट सुना था जिसमें डीएसपी को उन्होंने किडनैप कर लिया था, 250 तालिबान थे शायद जिन्होंने स्वात के अंदर दोबारा अपनी पोजीशंस ली थी, और उनके साथ इस टाइम भी ऑपरेशंस चल रहे हैं और एसएसपी ऑपरेशंस या जो भी वहाँ पे हमारी एजेंसी थी उन्होंने उनके खिलाफ वो टैकल डाउन करने की उन्हें कोशिश की है। लेकिन एक जाहिर सी बात है बहुत बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर तो इसे अभी क्योंकि अभी ये स्टार्ट है दोबारा टेररिज्म के पाकिस्तान के अंदर एंट्री का, अगर हमें अभी शुरू पे अगर इसे हम कर्व डाउन नहीं कर सकेंगे तो ये सिर्फ गिलगित में नहीं, ये नीचे यहाँ तक भी फैलेगा और जैसे 2001-2 में सिचुएशन थी वैसे दोबारा बन सकती है। हाँ, ये गलती हुई, मतलब सेव है ना हेवन हमारी पाकिस्तान से निकला गया ना, टीटीपी की जानिब से भी अगर किया गया तो कहीं ना कहीं मुंसलिक तो है, कोई ना कोई पार्टी किसी ना किसी के साथ मुंसलिक है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर तालिबान हम पे अटैक कर रहे हैं तो फिर जैसा दुनिया क्लेम कर दिया कि पाकिस्तान से टेररिस्ट ये पकड़ा गया, पाकिस्तान से ये टेररिस्ट अटैक हुआ, किसी मुल्क में ये हुआ, फिर तो हम उस चीज को गलत प्रूफ कर ही नहीं सकते, जबकि आज तक हमने गलत प्रूफ नहीं किया, हम खामोशी से साइड पे हो जाते हैं, हम लोगों ने अपने सबूत आज तक नहीं रखे यूनाइटेड नेशन में। नहीं, जाहिर है कोई भी कंट्री टेररिस्ट को पसंद तो नहीं करती, हमने भी कोशिश की है कि हमारे पाकिस्तान में सारे टेररिस्ट जितने भी खत्म हो उनके खिलाफ कोशिश तो की है हमारे, जाहिर सी बात है अगर ये पीस अचीव हुआ है तो इसके पीछे कोशिशें तो थी। सिर्फ मसला ये हुआ है टीटीपी का, वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की 7 लाख फौज है, वी आर कंट्री विद मोर देन 1.5 मिलियन, वी हैव वर्थ ऑफ पर्सनल आर्म्ड फोर्सेस, तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन आज तक क्यों नहीं फिर टेररिस्ट अटैक्स खत्म हुए? अगर हम लोग इतने ही मतलब पावरफुल अपने आप को दिखाने में हैं तो क्या वजह है कि हम लोगों के आज तक टेररिस्ट अटैक्स ही नहीं कम हुए? अगर हम ये अटैक्स खत्म भी कर लें तो दुनिया क्यों, हम कैसे मनवाएं कि हम लोग टेररिस्ट मुल्क नहीं है, क्योंकि दुनिया भी क्लेम कर रही है और आपके सामने मैंने आपको नारे सुनाए हैं। नहीं, पहली बात तो ये हम दूसरी दुनिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? दूसरी दुनिया के नेबर के अंदर अफगानिस्तान नहीं है, हमारे नेबर्स के अंदर अफगानिस्तान है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हर कंट्रीज के लिए डिपेंडेंट होती है उसके नेबर्स पे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, हमने खत्म तो की है, आप स्टैटिस्टिक्स निकालें आज साल वो 10 साल पहले वाले जितने अटैक्स होते थे आज कितने होते हैं और पहले कितने होते हैं। मसला टेररिज्म का नहीं है, वो भी है, लेकिन उससे सिर्फ फॉरन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो कम होगी, और लेकिन ये ऑन द लॉन्गर एंड अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मेन मसला है वो इकोनॉमिक कंडीशंस का। इकोनॉमिक कंडीशंस भी जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं ज़्यादा होती, जब तक हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जब तक हमारी रेमिटेंस नहीं ज़्यादा होते और जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं ज़्यादा होती, बस यही चार जरिए होते हैं डॉलर्स कमाने के। तो जाहिर सी बात है हमें सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट्स में भी आईटी की तरफ अगर हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो उससे हम मैक्सिमम रीगेन कर सकते हैं। इस टाइम इंडिया की आईटी के एक्सपोर्ट्स 150 बिलियन डॉलर्स हैं, पाकिस्तान के हाफ जीडीपी, तो आप सोच भी नहीं सकते जितना उसमें पैसा आईटी में, और लेकिन हम वही बस सारा पाकिस्तान कपड़ा बेचने में लगा हुआ है, और तो इन्हें कुछ भी नहीं आता, बस कपड़ा बेच लो। आईटी की तरफ जाना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए। अभी जो सिर्फ टिकटॉक है वो 200 बिलियन डॉलर का सिर्फ ऐप है, सिंगल ऐप। फेसबुक है, चले वो तो बहुत बड़े बहमत हो गए ना, हम छोटा सा कोई भी एक ऐप नहीं बना सके जो ओवरऑल जिसका इन्फ्लुएंस हो पूरी दुनिया में। कम से कम हमें आईटी की तरफ आना चाहिए, अगर आईटी की तरफ नहीं आ सकते, इतने भी हम काबिल नहीं है, फिर कम से कम इस तरह कर लेना चाहिए कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जितने भी उनके साथ आप मुआहदे कर ले, पाकिस्तान से वहां बाहर भेज ले, रेमिटेंस ही बैठ के खा ले, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान
मुझे बताइएगा सर, इसका कितना बैड इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कश्मीर और गिलगित एक ऐसी रियासत, ऐसी जगह है, ऐसी हम कह सकते हैं स्टेट्स हैं जो कि इंडिया से ली गई हैं, और अब इसको अगर हम रिलीफ नहीं देंगे तो कितना बैड इफेक्ट आने वाला है पाकिस्तान पे। देखें, गिलगित बल्तिस्तान का तो हमारे पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पार्ट है, और वहाँ की आवाम पाकिस्तानी है और हमारे भाई हैं। कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट नहीं? बिल्कुल है, कश्मीर भी है, वो भी हम लोगों की इक्तसादियात और हमारी जो सकाफत का हिस्सा है, और हम कैसे उनको अलग रख सकते हैं, और ना हम उनसे नाइंसाफ़ी के रवादार हैं और ना हम उनको अपने से अलग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके मुखालिफ, तो वो ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान की बदनामी है। तो सर, हम करते हैं उनके लिए कुछ तो आज ये होता ही ना, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब देखे ना, इंडिया के कश्मीर के अंदर दुनिया भर के टूरिस्ट जा रहे हैं, वो इतने खुश हैं, इतना पैसा उनके पास आ रहा है, और हमारे यहाँ पर कश्मीर आप एक दफा विजिट करें वो रो धो रहे हैं, वो कह रहे हैं टूरिस्ट नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो इतनी महंगाई देखे कुछ इतना खास नहीं होता। इसमें हमारी गवर्नमेंट ने जो वजारत है सैर सियाहत की, शायद उसमें इतना कोई काम नहीं किया, और वैसे भी हमारे यहाँ हालात इस तरह के कुछ क्रिएट किए गए पिछले 5-6 साल में कि इनको अपनी जो आपको पता है कि कोई होश नहीं है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा जो अपने यहाँ पे रह रहे हैं, तो कश्मीर का क्या वो रिलीफ देंगे कि जब अपनी आवाम की कुछ इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उनकी इंटरेस्ट और उनकी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता सारा। इंडिया के एक्स जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये कहा था कि सब्र रखो अपनी आवाम को, पता सब्र रखो, खुद ब खुद देखना कुछ ही अरसे में गिलगित और कश्मीर हमारे पास आ जाएगा। क्या आपको ये वक्त नजर आ रहा है कि इंडिया क्लेम कर सकता है, क्योंकि इस टाइम पावरफुल कंट्री है और यूनाइटेड नेशन में उसकी मानी भी जाती है। जो फॉरेन मिनिस्ट्री या खारजा पॉलिसी है उनकी कमजोरी की वजह से ये सब हुआ है, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे ये मामला तो उठाया नहीं, डिफेंस नहीं किया, बल्कि मेरा ख्याल है कि चंद साल पहले सबका हुकूमत में कश्मीर इशू को वैसे ही ख़त्म कर दिया गया, सब जानते हैं, ऑन दी रिकॉर्ड बात है। तो ये चीज़ें जब हमारे मुल्क में अपनी खलफशार और हमारी अपनी जो एक अंदरूनी मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, तो साथ वाले मुल्क तो इस चीज़ पर उम्मीद रखेंगे ना कि ये सब हमारे हक़ में होने वाला है। तो ये सबसे पहले हमें यूनिटी की ज़रूरत है, अपने जो हमारे इशूज़ हैं उन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि जो कश्मीर और ये जो भी गिलगित बल्तिस्तान जो ये सारी चीज़ें हैं, ताकि दुश्मन मुल्क को या जो हमारे खैर ख्वाह नहीं उनको मौका ना मिले। सर, आपने दुश्मन मुल्क और खैर ख्वाह नहीं है उनका नाम लिया है। सर, दुश्मन एक तब बनता है जब आप थोड़े डाउन होते हो अगले बंदे से और आपको खतरा होता है। सर, अगर इंडिया ने अपने आप को पावरफुल बनाया और हम उनको दुश्मन मानते हैं, तो हमें भी पावरफुल होके दिखाना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, होके दिखाना पड़ेगा, और इसमें हमारी अस्करी कूतें काम कर रही हैं, हमेशा करती रही, हमें अपनी आर्मी पर एतमाद। सिर्फ आर्मी क्या करेगी, इकोनॉमी तो स्टेबल होनी चाहिए, दुनिया इकोनॉमी को मानती है, आर्मी और जंगों को थोड़ी मानती है। बिल्कुल, ये सारा टीम वर्क होता है। देखिए, सियासतदान और आर्मी और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनका एक टीम वर्क है ना, कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता। सिक्योरिटी हमारे मुल्क में जब होगी, आवाम सिक्योर होगी, तो बिजनेस भी आएगा, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज भी आएंगी। तो हम आपस में झगड़ने की बजाय, हुकूमत में खींचतानी करने की बजाय, एक टीम वर्क की सूरत में चलें। अस्करी क्यादत, सियासी क्यादत और अवामी हलके जो हैं, इन तीनों को यकजा होने की जरूरत है। देखो, पाकिस्तान स्टॉप ह्यूमैनिटी, ये सारे वर्ड्स पकड़े हुए हैं, पाकिस्तान मस्ट स्टॉप ह्यूमैनिटी वायलेशन, वी वांट पाकिस्तान फ्रीडम। अब मुझे बताइएगा इस पे क्या कहेंगे? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि यूनाइटेड नेशन पे आगे अफगानिस्तान से इधर हमले भी हुए हैं, अफगानिस्तान से काफ़ी वो हमारे जो से बॉर्डर पे हमले हुए हैं, वहाँ पे हमारे आर्मी चीफ साहब ने बात की थी, उनकी उनके साथ गुफ्तगू हुई है, बाकायदा उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो उनसे हैं हमारे बॉर्डर पे अमनो ईमान होना चाहिए, और हमें ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आनी। दूसरी तरफ आप महंगाई की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम आप देखें पेट्रोल की कीमत कहाँ पर है, तो आने वाले दौर में हमें तो ये नज़र आ रहा है हमारे नौजवानों का कोई फ्यूचर नहीं है। हमें देखें, कोई यूरोप कंट्री के लिए वीज़ा नहीं मिल रहा, वो कहते हैं स्टेटमेंट शो करवाएं, हमें हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, हम स्टेटमेंट कैसे शो करवाएं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं जी आपके पास स्टडी नहीं है, स्टडी होने के बावजूद भी वो हमें जॉब नहीं देते। यहाँ पे हर जगह पर रिश्वत चलती है, जिसके पास पैसा है वो जी रहा है, जो गरीब आदमी है वो मर रहा है। देखें आप दाल की कीमतें की ऑयल की कहाँ पर चली गई हैं।
बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। आपने पहले बात की है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है वो टेररिस्ट फैलाया गया है, दहशतगर्दी हुई, हमले हुए हैं। मुझे बताइएगा, आपने कहा हमारे आर्मी चीफ ने उस पर मुद्दा छेड़ा और बात भी की है, आपको नहीं लगता कि हमारी एक्शन होना चाहिए था, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था? अगर तो टेररिस्ट आए हैं या हमले हुए हैं, अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की, अभी कैनेडा और इंडिया का बहुत मेन मसला चल रहा है, इंडिया और कैनेडा आपस में इतना ज्यादा इख्तलाफात में है कि जो इंडिया है उनके मिनिस्टर्स मुंह तोड़ जवाब देते जा रहे हैं और इस टाइम कनाडा को गलत साबित किया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बलूचिस्तान, हम अपने कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं फिर? ऐसा देखें, इंडिया ने जैसे वो देखें कनाडा का इतना अच्छा उनका सिस्टम है, उन्होंने कहा है कि देखें ये अच्छा इंडिया का बंदा था, हमारे मुल्क में आके उसे मारा गया, इंडिया की एजेंसी ने मरवाया, तो इस पर उन्होंने देखा है कि वो हमारे मुल्क में आके मरा है, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। बकायदा उन्होंने इंडिया को जवाब दिया, उन्होंने उनका सफीर भी निकाल दिया। लेकिन वो तो इंडिया ने भी किया, बहुबी इंडिया ने बैन कर दिया है, कैनेडियंस वीजास को भी बैन कर दिया। इंडिया की ताकत देखें कि उन्होंने सही को सही कहा, हम अपने सही को सही क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमें इल्जाम लगा रहे हो, प्रूफ दो। अब हम कहते हैं कि अफगानिस्तान हम पे अटैक कर रहा है, तो हम क्या मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हम उनके लिए क्या करें? आज तो खबर आई है अफगानिस्तान की बेस्ट टॉप करेंसी साबित हो गई है दुनिया में, हम तो उनसे मतलब कहाँ फिर जा रहे हैं? देखें अफगानिस्तान, ये देखें अब अफगानियों को यहाँ से निकाल भी रहे हैं, जो भी मामला कर रहे हैं, ये कल मैंने मोबाइल पे अपने खबर देखी है कि शादरे में 5 अफगानी जोन से हैं, उन्होंने 2 छोटी छोटी बच्चियों को अगवा किया हुआ है, तो वो बच्चियाँ थाने में बैठी हैं, उनका कोई पता नहीं माँ बाप कहाँ पे हैं, उन्होंने काफ़ी खबर फेसबुक पर फैलाई हुई है। तो उसके अलावा हमारे आर्मी चीफ गए थे, देखें अफगानिस्तान भी इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान भी इस्लामी मुल्क है, हमें चाहिए कि मुसलमान आपस में बन के रहें। मुसलमान जी, मुसलमान तो क्या मुसलमान कंट्रीज से मिलने से हमारा पाकिस्तान ग्रो करेगा या दुनिया के मिलने से हमारा पाकिस्तान ग्रो करेगा? देखिए दुनिया के मिलने, हमारा अगर खर्चा 100 रुपए है ना, तो हमारी आमदनी 30 रुपए है, उसकी वजह से पाकिस्तान स्टेबल नहीं कर पा रहा। अब हमारे आर्मी चीफ साहब ने सऊदीया से कहा हुआ है कि हमें 25 अरब डॉलर मिले, वो मिलेंगे, देखें वो काफी रिकवरी कर रहे हैं, काफी लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, काफी गैर मुल्की करेंसी है हवाले वाले हो गए, काफी उन्होंने रिकवर किया, उसकी वजह से डॉलर देखे नीचे आया। 25 अरब डॉलर आपने कहा है, तो मुझे बताएं कब तक पाकिस्तान सिर्फ एड पे चलता रहेगा, कब तक हमारे यहाँ भीख आती रहेगी, अमदाद से हम चलते रहेंगे, कब तक ये सब कुछ सिलसिले चलेंगे? देखें कोरोना के दौरान इतनी अमदाद आई है, किसी को पता कहाँ पे गई है, उसका भी नहीं कुछ पता, और भी पता नहीं कितनी अमदाद आती है उसका कुछ पता है, अवाम पे क्या लग रहा है, अवाम बेचारी तो वैसे की वैसी है।